हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियोस में हम करने वाले हैं क्लास फोर का इंग्लिश, जिसका हम पार्ट टू करेंगे। पहले पार्ट में हमने क्वेश्चन आंसर इसका करा दिया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो क्वेश्चन आंसर जा करके चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए। क्लास फोर वाले में जो आपका फ्रॉग्स वाले चैप्टर्स का था, उसका हमने क्वेश्चन आंसर करा दिया। आज हम करने वाले हैं इसका फिल इन द ब्लैंक्स और ये ट्रू एंड फॉल्स। तो वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो में सोच लेके अंत तक बने रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, जो भी छात्र या छात्राएं हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। जो चैनल के नाम के बगल में सब्सक्राइब लिखा होगा लाल रंग का, उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका एक घंटी का बेल आइकन बनेगा, उसको क्लिक करेंगे। जैसे उसको क्लिक कीजिएगा ऑल लिखा हुआ आएगा, फिर ऑल को क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद आपको होगा ये कि जब भी आपके लिए कोई वीडियोस अपलोड होगा ना आपके क्लास का, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसलिए ये जरूर कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर घंटी के आइकन को दबाइएगा, उसके बाद यहाँ पे ऑल लिखा हुआ आएगा तो ऑल को भी ज़रूर प्रेस किया कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। देखिए, हम लोग करने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक्स। क्या करने वाले हैं? फिल इन द ब्लैंक्स। स्क्रीन काफ़ी छोटा होता है, मोबाइल पे लिखने में काफ़ी दिक्कत होता है, तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ, आप लोग सेम टू सेम अपने बुक में या फिर कॉपी में करते जाइएगा, ठीक है। तो चलिए, हमारा पहला सवाल है द फॉर्गीज वेंट टू डैश। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिया है, या तो स्कूल या तो फिर होम। तो आप बताइए द फॉर्गीज वेंट टू स्कूल, जो मेंढक के बच्चे थे वो कहाँ जा रहे थे? तो वो मेंढक के जो बच्चे थे ना वो स्कूल जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? स्कूल जा रहे थे। तो आपको यहाँ पर स्कूल भरना है, ठीक है। चलिए, उसके बाद है हमारा दे वोर कोट्स ऑफ रेड या ग्रीन। वो कैसे कोट पहने हुए थे? तो ग्रीन कलर के कोट पहने हुए थे। ये वाला ग्रीन भरना है, ठीक है ना, ये ग्रीन भरना है। उसके बाद मिस्टर बुल फ्रॉग वाज डैश स्टर्न या फिर टर्न। तो स्टर्न होगा, स्टर्न का मतलब होता थोड़ा कड़ियल मिजाज के थे वो, ठीक है ना। उसके बाद है हमारा देयर स्कूल वाज, ठीक है। चलिए, इसके बाद है हमारा देयर स्कूल वाज बिसाइड ए पूल, ठीक है ना। तो पूल के पीछे था हमारा स्कूल, कहाँ था? पूल के पीछे था। मेंढक का रिवर नहीं होगा, पूल। पूल का मतलब होता है ना तालाब, ठीक है ना। देखिए, ये वाला मिट गया, हम फिर से आपको बता देते हैं। यहाँ पर आपको भरना है स्कूल, यहाँ पे भरना है ग्रीन, यहाँ पे भरना है स्टर्न, ठीक है। उसके बाद भरना है पूल। उसके बाद है हमारा पाँचवा नंबर, मिस्टर बुल फ्रॉग टाउट द फॉर्गीज हाउ टू ए ब्लो। यहाँ पे होगा डॉज, ठीक है, डी ओ डी जी ई, यहाँ पे आप भर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है हमारा फर्स्ट वी डैश दे वी प्ले। पहले क्या करना है? पहले स्टडी फिर खेलना है, यानी पहले पढ़ाई करना है फिर खेलना है। तो यहाँ पे आप लोग स्टडी भरेंगे। क्या भरेंगे? स्टडी, ये वाला पार्ट भरेंगे, स्टडी, ठीक है। एस टी यू एस टी यू डी वाई, स्टडी, ठीक है ना। तो यहाँ पे भर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको बच्चों समझ में आ गया है। जल्दी से वीडियोस को रोक करके जल्दी जल्दी इसे नोट कर लीजिए, फिर हम अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए, हमारा अगला सवाल है, हमारा अगला सवाल है ट्रू एंड फॉल्स, यानी जहाँ पर जो वाक्य आपको ट्रू लगे। ट्रू का मतलब होता है सही। अगर सही लगेगा तो आपको टी लिख देना है, ठीक है। अगर फॉल्स लगेगा तो आपको एफ लिख देना है, ठीक है ना, समझ गए। अगर ट्रू होगा तो टी, फॉल्स होगा तो एफ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा पहला सवाल। पहला सवाल है हमारा थ्री फॉर्गीज वेंट टू स्कूल। तीन मेंढक के बच्चे स्कूल जा रहे थे? नहीं, ट्वेंटी जा रहे थे, ट्वेंटी फॉर्गीज, यानी कि चैप्टर का नाम ही है ट्वेंटी फॉर्गीज वेंट टू स्कूल, ठीक है ना। पोयम में पहले लाइन में आ जाता है, तो ट्वेंटी था तो ये गलत हो गया। तो गलत हो गया तो आपको क्या लिखना होगा? एफ़। काटना नहीं है, इस तरह से काटिएगा ना, ये गलत हो जाएगा, आपको सिर्फ एफ़ लिखना है, ठीक है। मिस्टर बुल फ्रॉग सेट ए लॉग, बताइए। मिस्टर बुल फ्रॉग सेट ए लॉग, तो यहाँ पर ट्रू हो जाएगा, ठीक है। देयर स्कूल वाज अंडर ए रशी पूल, ट्रू। क्या होगा? ट्रू। उसके बाद है हमारा फर्स्ट दे प्ले एंड देन स्टडीज, पहले खेलना है फिर बाद में पढ़ाई करना है, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको फॉल्स भरना है, यानी कि एफ हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है मिस्टर बुल फ्रॉग वाज स्टर्न, बिल्कुल सही है, कड़ियल मिजाज के थे वो। मिस्टर बुल फ्रॉग टाउट देम टू प्ले, ठीक है ना। मिस्टर बुल फ्रॉग टाउट डेम टू प्ले, तो बिल्कुल ट्रू है, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि बच्चों आपको आज का ये वीडियोस बिल्कुल पसंद आया है। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।